हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। सो गाइज, आज हम बात करेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वनडे एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, एसआई, यूपी लेखपाल, लेख बीडीओ, एसएससी, जीडी, टेट, सुपर टेट। तो सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल कॉमन लोथल की खुदाई किस नेतृत्व में की गई है? तो इसका सही आंसर है CSR राव। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिरकर हुई थी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं। डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंस डे सदाचार पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुस्तक की घोषणा की थी? तो जेम्स रेम से मैकाडॉल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। बने रहिएगा चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील से निकट है, बताइए यह कौन सी नदी है? तो इसका आंसर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो इसका ब्राजील सही आंसर है। और दोस्तों, 61वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो इसका सी आंसर सही है, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो 5वीं अनुसूची के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वर्धित SLR। और 64वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर सी है, रक्षा व्यय दोस्तों। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन है, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। अगला, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है? इसका ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्क्रेटिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिडला परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, टाइफाइड के लिए बिडला परीक्षण। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में किया जाता है? तो कानपुर को माना गया है दोस्तों, सही आंसर बी है। तो सो गाइस, तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर करें। तो गाइस, तब तक के लिए टिक।